तो यार वेलकम टू 131 एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। तो इस वीक सुपर हीरोज की मूवी से बहुत कुछ लीक हुआ है, कुछ कमाल के अपडेट्स भी आए हैं और भाई स्नाइडर कट का नया ट्रेजेडी स्टार्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार स्टार्ट करते हैं अवेंजर्स के गेम से। उसका बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था लेकिन अल्टीमेटली ये गेम बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इसके मार्केटिंग और डेवलपमेंट में टोटल 170 मिलियन डॉलर का खर्च आया था लेकिन अभी तक इसने सिर्फ 100 मिलियन डॉलर का सेल किया है एंड दिन ब दिन इसके प्लेयर भी घटते जा रहे हैं। एंड होप तो कम ही है कि अब ये गेम रिकवर भी हो पाएगा। गेम की बात हुई है तो फोर्टनाइट में घोस्ट राइडर का कैरेक्टर भी अवेलेबल हो चुका है एंड प्लेयर्स अब घोस्ट राइडर के साथ भी खेल सकते हैं। अब आते हैं जॉनी डेप और एम्बर हर्ड पे। तो इन दोनों की कंट्रोवर्सी तो सालों से चल रही है और सब जानते भी हैं, और इसी कंट्रोवर्सी के चलते वार्नर ब्रदर्स ने जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट से रिजाइन करने को बोल दिया है। तो फैंटास्टिक बीस्ट के नेक्स्ट पार्ट में ग्रिंडलवॉल्ड के रोल में हमें जॉनी डेप नहीं बल्कि कोई और दिखेगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि फैंटास्टिक बीस्ट भी वार्नर ब्रदर्स के अंदर है। तो इसी के बाद फैंस ने एक्वामैन 2 को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। सिंस जॉनी डेप को तो उन्होंने हटा दिया बट एक्वामैन से एम्बर हर्ड को हटाने का अभी तक कोई भी खबर नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों का इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, और अगर नहीं पता तो यार गूगल पे सर्च करके देख लेना कि क्या कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट है वंडर वुमन 1984 के रिलीज डेट से अपडेट। तो अभी के लिए इसका रिलीज डेट 25 दिसंबर रखा गया था लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि इसे और डिले किया जा सकता है। मे बी अब ये नेक्स्ट ईयर मार्च तक रिलीज हो। अभी इसका पब्लिक अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया बट वार्नर ब्रदर्स मे बी इसका अनाउंसमेंट दिसंबर में ही डायरेक्ट करेंगे सिंस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कोविड का सेकंड फेज आ चुका है जिसके कारण जगह जगह फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं एंड इसलिए ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है। अब आते हैं ब्लैक विडो पे। तो इस मूवी से वैसे कोई खास अपडेट्स तो नहीं है, बस बिहाइंड द सीन्स के कुछ नए फोटोज रिलीज किए गए हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके देख लेना। वैसे भी हम लोग बस अब यही देख सकते हैं, सारे मूवीज तो अगले साल ही रिलीज होंगे। नेक्स्ट है सुपरमैन का रिटर्न। अब देखो मैं यहाँ हेनरी कैवल की सुपरमैन की बात नहीं कर रहा बल्कि एक पुराने सुपरमैन की बात कर रहा हूँ। तो फ्लैश की सोलो मूवी में तो सब जानते हैं कि ये फ्लैश पॉइंट पे बेस्ड होगी एंड इसमें हमें पुराने बैटमैन का रिटर्न भी देखने को मिलेगा, और इसकी बहुत ही अजीब और वियर्ड स्टोरी लाइन होगी। एंड इसी पे ब्रैंडन रॉथ जो कि 2006 में सुपरमैन बने थे, उन्होंने हिंट दिया है कि उनके सुपरमैन का अपीयरेंस फ्लैश के सोलो मूवी में हो सकता है। इससे पहले भी डीसी के टीवी शो क्राइसिस ऑन द इनफिनिट अर्थ और एरो जैसे शोज में वो सुपरमैन और एटम का रोल प्ले कर चुके हैं एंड ऑब्वियसली टीवी शो और मूवीज हमेशा कनेक्ट होते ही रहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं स्पाइडरमैन 3 पे। तो टॉम हॉलैंड ने अपने ये फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर किया जिससे अब ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि स्पाइडरमैन की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट वीक ही सारा कास्ट अटलांटा भी पहुंचा था जिसके बारे में मैंने बताया था। वैसे इस मूवी से मेजर रिपोर्ट ये था कि इसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर भी दिखेगा। इस बात को लेकर एक और कंफर्मेशन मिला है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच के पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट डोनाल्ड ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो पोस्ट किया, वो भी अटलांटा जॉर्जिया से। और हम सब जानते हैं कि अटलांटा में अभी स्पाइडरमैन की शूटिंग चल रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी इस मूवी में हो सकते हैं। वैसे अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। नेक्स्ट है इटर्नल्स। तो इटर्नल्स से भी कुछ फोटोज लीक हुए हैं जिसमें हमें सारे सुपर हीरोज के प्रॉपर लुक मिले हैं। सबसे पहले तो ये एक कॉन्सेप्ट पोस्टर है जहां सारे कैरेक्टर्स एक साथ हैं। देन रिचर्ड मैडन का आइक्रिस का कैरेक्टर, कुमैल नंजियानी का किंगो, देन सबसे फाइनली बैरी क्वेगन और सलमा हायक के कैरेक्टर्स ड्रुइग और अजैक। इसी के साथ डीसी के टीवी शो सुपरमैन एंड लुइस से भी सुपरमैन का फर्स्ट लुक लीक हुआ। हाँ यार मुझे पता है कि यहाँ क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है बट जो मिला उसी से काम चलाना पड़ेगा। आगे बढ़े तो हैं रॉबर्ट पैटिंसन, जिन्होंने अपने 10 साल के फैन को जो कि ऑटिस्टिक है उसे बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। अब एक छोटी सी खबर आई है थॉर लव एंड थंडर से। तो इस मूवी की कास्टिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है और सारे लीड एक्टर्स के बॉडी डबल और स्टंट डबल को ढूंढा जा रहा है। यहाँ थॉर, जेन फॉस्टर और वैल्करी के बॉडी डबल की कास्टिंग होगी। इसके बाद इसी मूवी के लिए 5 फीट से या उससे छोटे एक्टर्स को भी कास्ट किया जाएगा। तैयार हो सकता है कि यहाँ इसका रिलेशन मे बी निडा वेलिर से हो जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। एंड इस वीक सबसे मेजर खबर रही स्नाइडर कट की। तो अचानक से लास्ट वीक ही HBO मैक्स ने अपने सारे सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब से स्नाइडर कट का ट्रेलर ही डिलीट कर दिया। इसके बाद से फैंस को लगने लगा कि वार्नर ब्रदर्स ने फिर से स्नाइडर कट के रिलीज को रोक दिया है या फिर ये बस एक मार्केटिंग कैंपेन था। तो पूरा वीक इसी पे हंगामा रहा एंड एक दो दिन पहले ये रिवील हुआ कि इस ट्रेलर को म्यूजिक राइट्स को लेकर डिलीट किया गया है। वही हालेलुया का जो सॉन्ग ट्रेलर में यूज किया गया था उसके चलते इसे डिलीट करना पड़ा। तो फैंस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड जाते आते एक छोटा सा र्यूमर है जहां ये खबर आई है कि मार्वल स्टूडियोज ने फैंटास्टिक फोर के मूवी पे
काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड इसके इनिशियल प्रोडक्शन पे अभी वर्क स्टार्ट है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसे ही और अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुपर हीरोज के अल्टीमेट फॉर्म को देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड पिछले वीक का नडी न्यूज देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।